हेलो एवरीवन, आज हम टाइगर की ड्राइंग बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजीली कि टाइगर को आप किस तरीके से बना सकते हैं। पहले आपको एक लैंडस्केप में पेपर लेना है जिसकी दोनों साइड दो दो फिंगर्स छोड़नी है। उसके बाद एक 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, ऊपर से दो फिंगर छोड़ के और साइड से भी दो फिंगर छोड़ के एक परफेक्ट सर्कल बना लो। आप उस सर्कल के बीच में एकदम मिडिल में एक सेंटर लाइन, जो कि हमारी सपोर्टिंग लाइन भी होगी, ऊपर से थ्री फिंगर एंड थ्री फिंगर। आप उसको स्केल की हेल्प से भी 4.5 पर ऐसे तीन पार्ट कर दो और साइड से भी थ्री फिंगर। पहला पार्ट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। जो सेकंड पार्ट आएगा उसको भी दो पार्टों में डिवाइड करना है, यानी कि 1.5 और 1.5 का भी हाफ, उसके पास में एक वन फिंगर एंड वन फिंगर, और जस्ट जैसे कि हम यू बनाते हैं ऐसे यू बनाना है नोज़ के लिए। ये हमारा नोज़ वाली स्पेस है और इसको ऊपर से वी में कन्वर्ट करके इसको एक टाइगर की नोज़ में कन्वर्ट कर देना है, यू का सेप देके। इसमें डबल लाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप नोज से के एंड पॉइंट से और जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से लेके हमारी एक स्लेंडिंग लाइन खींचनी है, जो कि हमारे लिए आइस के लिए है। ये जो हमारा फर्स्ट जो है वहाँ पे एक हाफ सर्कल और हाफ सर्कल जो कि आइस बनेगी हमारी। उसके बाद जस्ट हमारे को उसका माउथ बनाना है, जो कि बिल्कुल आईज से एंड से स्टार्ट होगा और नोज़ के मेज़रमेंट जहाँ पे नोज़ हमारी वो है वहाँ तक एक स्टार्टिंग पॉइंट जस्ट सी के फॉर्म में जाएगा, और जहाँ आईज स्टार्ट हुई है वहाँ से इसको मिला दिया जाएगा। आईज को भी एक सेप दे देंगे डबल लाइन करके। अब आइस के हाफ सर्कल से उसके और सर्कल के हाफ वन फिंगर ऊपर ईयर बनाएंगे। सेम मेजरमेंट हम सेकंड ईयर के लिए लेंगे, सर्कल के एक फिंगर ऊपर और आइस के एंड से और जो बीच की लाइन है उसको इरेज कर देंगे जो सर्कल की। अब नीचे मुस्तैश वाला पार्ट जहाँ पे नोज फिनिश हो रही है वहाँ से मेज़रमेंट लेंगे और सर्कल फिनिश हो रहा है वहाँ तक हम मुस्तैश बनाएंगे। अब ऊपर के पार्ट ईयर से मिला के वी सेप में सेंटर में बिल्कुल वी आएगा, और इसको जो टाइगर में हमारे आपने देखे हैं डिज़ाइंस होते हैं, पैचेस होते हैं, वो हम नीचे के शॉर्ट होंगे, ऊपर आते आते लॉन्ग होते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर की साइड आते जाएंगे इनको लॉन्ग करते चले जाएंगे। ये थोड़े कांटे वाले शेप में होते हैं, इनमें थोड़ा सा शेप चेंज करना होता है, और ये आइस के आसपास तक होते हैं। आप पूरे फेस में, जैसे कि टाइगर के फेस में पूरे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, हम वो देंगे। आईज़ के पास भी छोटे छोटे ऐसे पूरे फेस में हम टाइगर का ब्लैक स्पॉट्स दे देंगे और साइड में कर्व करते हुए नीचे तक लेके आ जाएंगे। चिन के नीचे बिल्कुल ट्रायंगल की फॉर्म बनेगी। बॉडी का पार्ट नोज से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, और बॉडी में भी हम पूरे में ऐसे ही ब्लैक मार्क लगा देंगे।
सेंटर लाइन जो हमने सपोर्ट लाइन ली थी उसको इरेज कर देंगे। अब इसके मुस्तैश का पार्ट देंगे। अब डिटेल पोर्शन, नोज में डिटेलिंग करेंगे। अब एक ब्लैक स्केच पेन से मार्कर की हेल्प से जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं और ब्लैक लाइंस हैं उनकी डिटेल्स दे देंगे। आराम आराम से जहाँ जहाँ पर हमारे को मार्क्स दिखाने हैं वो मार्क्स देते चले जाएंगे। ब्लैक मार्कर की हेल्प से उनको डार्क कर देंगे। ऐसे पूरे फेस को पहले ब्लैक मार्कर से कवर करेंगे और फेस का शेप निकालेंगे। नोज़ पे थोड़ी सी शेडिंग देंगे। मुस्तैश के बाल निकालेंगे शेडिंग के थ्रू। जब आप कलर करेंगे तो उनको कलर से कन्वर्ट करेंगे बालों को, और मुस्तैश के बालों को हम वाइट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह पूरे फेस में ब्लैक मार्कर से डिटेल वर्क करेंगे। इस तरह कंप्लीट करने के बाद हम इसमें कलर पेंसिल की हेल्प से जहाँ पर ग्रीन कलर डालना है, ब्लू कलर डालना है, हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाल करके एक मल्टी कलर टाइगर को कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।